हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे। तो आज का भाई करने में कुछ इस प्रकार का प्रोफुलिटी हाई क्वालिटी फोटो को एडिटिंग कैसे करें। अगर भाई इस तरह फोटो बनाना बहुत ही कम समय में भाई आपको बता दिया है प्रोफुलिटी हाई क्वालिटी, ठीक है। अगर भाई बताने वाला है सिर्फ आप लोग सिर्फ एक QR कोड से आप लोग बना सकते हैं मेरे जैसे प्रोफुलिटी हाई क्वालिटी फोटो एडिटिंग, ठीक है। आप जैसे ही QR कोड को आप स्कैन करेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन में, भाई मेरा वन क्लिक आप भाई आप लोग फोटो बनकर रेडी हो गया सेम मेरे जैसा। जैसे मैं आप लोग QR कोड को आप लोग स्कैन करूँगा सेम यहाँ पर इंस्टाग्राम में भाई फोटो बन के रेडी हो चुका है, हो जाए पूरा फुल एडी हाई क्वालिटी। तो देरी नहीं करते बैंक वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो से रिक्वेस्ट है, मैं चैनल बनाने का रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और बेगम दबा दे ताकि मेरा हर एक आनंद में पहुंचे। चलो मैं इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बैंक वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। करना क्या हम लोग ओरिजिनल पे वैसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट में हम कह रहे हैं डायरेक्टली हम शेयर कर देंगे यहाँ पर ऑटोटेक स्केच भी अप्लीकेशन में था, क्या यहाँ पर डायरेक्ट हम शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग ऑटोटेक स्केच भी अप्लीकेशन में यहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है। शेयर करने में क्या करें, कुछ इस इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग खोल में क्या करना है, ऊपर में क्या करें, ऊपर में आप लोग ब्रश टाइप कर देंगे, ठीक है। टाइप करके नीचे आप लोग स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप लोग एक ब्रश दिखाई देगा यहाँ पर। हम फाइनली यही ब्रश नहीं ब्रश यूज करता हूँ, ये वाला ब्रश क्या हम लोग चूज कर लेंगे गाइस। चूज करने क्या करें, ऊपर शेडिंग दिखाई हुआ साइड में हम सेटिंग हम टाइप करके इसको फॉलो करके करें 3% और एस्टेंड किया 10% और सही तो अपने हिसाब से चाहे तो इसको स्क्रीन शॉट भी यहाँ पर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इतना काम करना हो क्या करना, फोटो को हल्का सा जूम करना है और साइज को हल्का सा छोटा ऐसे कर देना गाइस, ठीक है। करने में क्या हमको आस्ते आस्ते हम ऐसे हम ब्रश को अप्लाई करेंगे। देखा भाई कैसे ब्रश को अप्लाई कर रहे हैं, क्या करना सेम प्रोसेस करें आप लोग ऐसे ऐसे आप लोग ब्रश को अप्लाई कर दीजिएगा इस, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या आराम आराम से क्या ब्रश को अप्लाई करके आप फेस को स्मूथ कर लीजिए। देर में कितनी बवाल हो गया मेरा फेस स्मूथ हो रहा है पूरा फुल एच डी हाई क्वालिटी। तो क्या अगर आप लोग सेम प्रोसेस करके आप ऐसे ऐसे क्या आप फेस पे यहाँ पर अप्लाई करना है और अप्लाई करके यहाँ पर फेस को ऐसे ऐसे हमको गोरा करना है, ठीक है। देर में कितनी बवाल मेरा फेस स्मूथ हो रहा है गाइस। तो क्या करना, जितनी आप लोग आराम आराम से टाइम देंगे फेस स्मूथ में उतनी आप लोग बवाल तो आप फेस स्मूथ हो। तो क्या करना, उसको आराम आराम से क्या करना है ऐसे ऐसे ब्रश को थोड़ा बड़ा करके हम ऐसे ऐसे ब्रश को चलाएंगे मैं कितने ही बाल कर मेरा फेस स्मूथ हो रहा है। तो ऐसे ऐसे क्या करेंगे हम आराम आराम से ऐसे हम ब्रश को चला लेंगे गाइस। धीरे धीरे कितना कितना छोटा है गाइस, ठीक है। आपको बस यही गलती है, ठीक है। आप जब सब काम कर लेते हो गाइस, जब आते हैं फेस स्मूथ पर भाई तो आप लोग फेस को स्मूथ अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हो भाई, ठीक है। तो क्या करना है, आप लोग जितनी आप लोग आराम आराम से आप फेस को स्मूथ करते ना तो तुम लोग बवाल तरीके से फोटो फेस स्मूथ होगा। देर में जहाँ जहाँ छूट गया है वहाँ वहाँ हम क्या करें ऐसे ऐसे ब्रश को अप्लाई कर देते हैं, ऐसे क्या करें फेस को स्मूथ कर लेते हैं गाइस, ठीक है। सो जान देख लिया मतलब फेस स्मूथ हो चुका है पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी, ठीक है। तब हम लोग अगर हम लोग करना क्या है, ऊपर और टाइप करना शेयर वाला ऑप्शन, शेयर ऑप्शन हम टाइप करें यहाँ पर शेयर कर देने गाइस, ठीक है। डायरेक्ट हम इस फोटो को शेयर कर लें यहाँ पर स्नैपचैट एप्लीकेशन में, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग शेयर कर देना यहाँ पर स्नैपचैट एप्लीकेशन में। तो बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करते जाएंगे आप लोग मिल जाएगा स्नैपचैट एप्लीकेशन, ठीक है। सारा जो मेन काम है वो यहीं पर होगा गाइस, ठीक है। तो क्या करना है स्नैपचैट आप लोग क्या करेंगे, सर आप लोग करना क्या है, नीचे वाला टूल्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप लोग टूल्स आप लोग टाइप करना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टूल्स पर आप लोग टाइप करना है, टाइप करना क्या करें, ऊपर में दिखाई टून इमेज, यहाँ पर टून इमेज हम टाइप करना है। इसको हम हल्का सा प्लस कर देंगे गाइस और इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे और हल्का सा इसको हम लोग प्लस कर देंगे और इसको हाईलाइट को 100% यहाँ पर माइनस कर देंगे। इतना हम काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हम डन कर लेंगे गाइस। यहाँ पर डन करने के बाद टूल्स पर जाएंगे, फिर से जाएंगे डिटेल्स का ऑप्शन, यहाँ पर ध्यान से समझेगा, ठीक है। तो समझ में आएगा डिटेल्स का ऑप्शन, ऊपर में स्क्रॉल कर इसको हम लोग 50% यहाँ पर 100% हम इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इससे हम लोग एक फायदा मेरा फोटो क्वालिटी आ जाता है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर इतना काम होगा, फिर जाएंगे टूल्स के ऑप्शन पर, यहाँ पर सिलेक्टिव वाला टूल्स पर हम टाइप कर देंगे गाइस। सिलेक्टिव वाला टूल्स टाइप करके यहाँ पर जब हम सिलेक्टिव वाला टूल्स क्या कह रहे हैं, यहाँ फोटो को हल्का सा जूम करेंगे गाइस, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्लैक होता है ऐसे छोड़ देंगे, छोड़ने वाला क्या करें यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट इसको हम हल्का से यहाँ प्लस के टाइप यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है। इसको प्लस खींचेंगे और इसको यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्या करें, जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिखाई दे अपने फेस में, जहाँ जहाँ आपको कम दिखाई दे यहाँ पर लाइट कम है तो क्या हमें यहाँ पर लाइट देना, ठीक है। यहाँ पर ले ऐसे छोड़ देंगे गाइस और इसको ऐसे हम लोग एडजस्ट करके इसको हम लोग प्लस करके और इसको हम लोग ऐसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। इतना करने में फिर जाएंगे टूल्स ऑप्शन पे, फिर जाएंगे सिलेक्ट वाला टूल्स पे और हल्का से फोटो को जूम करेंगे गाइस और यहाँ पर ले जाकर ऐसे हम लोग छोड़ देंगे और इसको हम लोग इसको प्लस करके और इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
इतना काम कंप्लीट होने वाला, क्या करना है अगला प्रोसेस, ऊपर में दिखाई दे रहा है शेयर वाला ऑप्शन गाइस, ठीक है। इस बार फाइनली इसको हम शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब चलेंगे अगला प्रोसेस पर, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पर लाइट रूम वाला एप्लीकेशन, फोटो हम शेयर करते हैं फाइनली यहाँ पर लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन में। तो क्या एक बार हम शेयर कर लेते हैं यहाँ पर लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। मेरा मेन प्रोसेस बाकी है मेरे भाई, ठीक है, वन क्लिक वाला, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से, ठीक है, वीडियो का आप लोग स्किप करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। चले जाएंगे लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन में, ऑल फोटो में यहाँ पर चले जाएंगे गाइस, यहाँ पर पिक का हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करना करेंगे यहाँ पर लाइट पर आ जाएंगे और नीचे में स्क्रोल के यहाँ पर ओआई को हम 100% बढ़ाएंगे और ब्लैक को हल्का सा कम कर देंगे। यहाँ पर कलर ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर मिक्स पर चले जाएंगे गाइस, ध्यान से यहाँ पर मिक्स पर चले जाएंगे और हरा को माइनस कर देंगे और पीला भी माइनस कर देंगे, यहाँ पर जितने ब्लू का भी माइनस कर देंगे, यहाँ पर इसको हम माइनस कर देंगे। अरे चले जाएंगे दो नंबर पर, इसको हल्का सा यहाँ कर लेंगे और इसको यहाँ पर 20% यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ठीक है। इतना काम हम यहाँ पर रेड कलर इसको बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा माइनस कर लेंगे। इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं वन क्लिक की तरफ, ठीक है। जैसे मैं वन क्लिक में स्कैन जैसे मैं क्यूआर कोड को मैं स्कैन करूँगा तो मेरा वन क्लिक में फोटो बनकर रेडी हो जाए। तो चलते हैं इस फोटो में शेयर कर देते एक बार और स्नैपचैट एप्लीकेशन में, वन क्लिक में भाई दिखा रहा है वन क्लिक में फोटो बनाकर, ठीक है। चले जाएंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन, हम लोग करना क्या है भाई, ध्यान से, ठीक है। चले जाना है ऊपर वाला ऑप्शन पर, ठीक है, यहाँ पर तीर वाला ऑप्शन चले जाएंगे, ठीक है भाई। जैसे मैं क्यूआर कोड मैं भाई स्कैन करूँगा तो मैं आपको भाई दिखा रहे हैं जस्ट वन क्लिक में भाई फोटो बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर टाइप करेंगे तीर वाला ऑप्शन, ठीक है गाइस, तीर वाला ऑप्शन हम टाइप करेंगे, आप नीचे में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, QR, ठीक है, लॉक, ठीक है, इसमें और टाइप कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें और टाइप करेंगे तो आप लोग आ जाएगा आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन, ठीक है, आप स्कैन QR कोड लॉक, ठीक है। अब जैसे ऐप में टाइप करेंगे तो आप लोग क्या होगा ऐसा आप लोग कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ऐसे कैमरा ओपन हो जाएगा। आप लोग करने का आप लोग एक और मोबाइल का जरूरत होगा, ठीक है, एक मोबाइल को ले लीजिएगा और उसमें आप लोग एक वेबसाइट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एक एप्लीकेशन को, उसको लोग करना क्या आपको स्कैन करना है, ठीक है। एक बार फोन लेकर हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे, जैसे आप लोग स्कैन करेंगे भाई भाई वन क्लिक भाई आप लोगों का फोटो बनकर रेडी होगा, ठीक है, रेडी हो जाएगा सिर्फ मेरे तरफ। चलते बस आज के बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तो बाय बाय।